unstable. I feel able to turn the tables. I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view, and I can see the end. I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness. I just need to hike for it. I'm standing up cause I've had enough. I won't give up on my chip. As long as I'm breathing. Hey, what's up guys, this is Dhiren and welcome to brand new exciting video. Okay, so guys, आज है 10 September और कल मैंने explore किया नैनीताल थोड़ा, दो point पे गया था और आज भी निकल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में और अब breakfast हो गया है आप जैसा देख सकते हो. Okay, तो guys, breakfast कर रहा हूँ मैं morning में, पराठा और दही है, favorite one. तो मैंने नहा भी लिया, रेडी भी हो गया और बट एक इश्यू हो गया मेरे साथ कि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैंने अपने सारे कपड़े वॉश किए थे. तो अभी दो दिन से नैनीताल में है ना सूरज निकला ही नहीं, धूप बिल्कुल नहीं निकली है, बारिश हो रही है. कल नाइट में भी बारिश हुई थी और मॉर्निंग में भी बारिश हुई. तो अभी सिर्फ मेरे पास दो तीन कपड़े बचे थे. तो डाइनिंग जैकेट था, टी शर्ट मैंने कल वाला सेम पहना, लास्ट वीडियो वाला आपने देखा हुआ, और जीन्स भी सेम पहनी है, वो भी थोड़ी काफ़ी गंदी हो रही थी बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं. लोअर है वो मैं पहन के बाहर नहीं जाने का था. तो मैंने सोचा कि अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसके ऊपर डाइनिंग जैकेट निकाल देता हूँ और कल वाला हुडी निकाल देता हूँ. तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा बेड जैसा मैंने आपको बताया, ये देख, शांत हो जा. ये सारे कपड़े मेरे यहाँ सूख रहे हैं और ये भी मेरे हैं, इसमें सारे टी शर्ट विशर्ट देख सकते हो आप. तो ये बिल्कुल सूखे नहीं है और एक पास में एक और अपार्टमेंट है, दिखाता हूँ मैं आपको. तो यहाँ पे ऐसा आपको पूरा एक खाली हाउस मिलता है, ये देख सकते हो आप, गेस्ट हाउस, यहाँ लोग आते हैं रहते हैं, ये पूरा खाली है देख सकते हो. तो फैमिलीज आती है, खाना वाना बनाती है. और इसमें मैं रुका हुआ हूँ, देख सकते हो, ये मेरा सारा सामान पड़ा है. कपड़े तो सब निकल गए हैं, तो बैग पूरा छोटा सा हो गया है, जूते पड़े हैं, स्लीपिंग बैग पड़ा है और ये कल वाला हुडी जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने कल पहना था, और एक लोअर. बस इतने से कपड़े बचे हैं, बाकी सब मैंने धो दिए और पहन रखे वो. तो ये है सीन. और कपड़े मेरे को कल निकलना भी है, अगर कल तक भी अगर वो पूरे कंप्लीट ड्राई नहीं होंगे तो हार्ड हो जाएगा मेरे लिए, और मैं उनको ऐसे अंदर डाल दूँगा तो बाद में बहुत स्मेल मारेंगे जब निकालूँगा. तो मैं चाहता हूँ कि कल तक थोड़ी धूप निकल जाए तो सही रहेगा मेरे लिए. ये दरवाज़ा बहुत हार्ड खुलता है और बाहर का वेदर देख सकते हो आज तो बहुत ज़्यादा वेदर, आप देख सकते हो बादल बहुत ज़्यादा ओस टाइप का हो गया है पूरा एकदम. इधर देखिए पूरा, ये जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा कवर हो रखा है और नाइट में भी बहुत बारिश गिरी यहाँ पे, मॉर्निंग में भी थी, कम थी मॉर्निंग में. तो अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में, रेडी हो गया हूँ और टाइम हो गया ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 11 AM हो गया है, मॉर्निंग 11 बज गया है. तो चलते हूँ, मिलता हूँ. कहाँ जाने वाला हूँ वो आप वीडियो में देख लोगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना, मिस मत करना आप बिल्कुल भी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है नैनीताल डे 2. चेस, चलते हैं नीचे बाहर एक्सप्लोर करने के लिए. बैग ले लिया छोटा वाला, मैंने अपना सारा सामान कैरी कर लिया, इसमें इक्विपमेंट और सब इसमें लेता हूँ. बाय, हो गया डन. यहाँ सबसे हार्ड इन दोनों को क्रॉस करके नीचे जाना होता है, ये रास्ते में बंदे हैं बहुत मुश्किल होता है इनको क्रॉस करना. अब तो थोड़ा स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मेरे पे अटैक कर देता है, काटते नहीं है बट डरा देता है. और आप इसको पूरे गेस्ट हाउस में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ जो यहाँ के बर्ड्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट
वैरायटी के बर्ड्स पाए जाते हैं, तो पूरा इस आपको आर्ट गैलरी देखने को मिलेगी पूरे गेस्ट हाउस में। जहाँ भी जाओ नीचे सारी सीढ़ियों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की पिक्चर्स मिलेगी, आप देख सकते हो चारों तरफ, यहाँ पे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी, सब जगह आपको बर्ड्स की पिक्चर्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी देख सकते हो। बेस्ट बात लगी मेरे को एक राइट वे से प्रेजेंट करना एक गैलरी को, देख सकते हो। ऑलमोस्ट हम नीचे पहुँच गए, यहाँ पे भी लगा सामने, और ये मेरी फेवरेट वन। आज गणेश चतुर्थी भी है गाइस, तो और मैं लकी हूँ कि हमारे गेस्ट हाउस के नीचे टेंपल भी है छोटा सा, तो प्रे कर लेता हूँ मैं। ओके चलते हैं, ये एग्जिट है। तो चलते हैं, मौसम क्लियर हो गया, लेट्स गो। ये गेस्ट हाउस बाहर से ऐसे दिखता है, दिखा देता हूँ आपको, ये इतना बड़ा है, वहाँ से लगा कि यहाँ तक, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। ओके तो गाइज, एक भवानी करके कोई जगह है, वहाँ पे अंकल जी ने छोड़ दिया मेरे को, और यहाँ से वापस लिफ्ट लेनी है सैताल लेक के लिए। तो देखते हैं, ये छोटा सा एक मार्केट है, एक टाउन सा है छोटा सा। Might take two or three, 'cause what's the difference? Slow it down, trying to make a change, because your father moved you out of town. Used to be a city girl, but living in a country now. Used to be an open book, but now you keep a secret, 'cause they the only thing that never... Okay, so guys, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं आज जा रहा हूँ सैताल लेक, जो नैनीताल से 20-21 किलोमीटर है, और मैंने अभी कवर कर लिया 12 किलोमीटर, क्योंकि जो मेरे गेस्ट हाउस है वो भी नैनीताल से 10 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर की अंकल ने लिफ्ट दे दी थी, 2.5 किलोमीटर की, और अभी यहाँ से 10-11 किलोमीटर है सैताल लेक। तो अभी मैं इस एक गांव में हूँ, छोटा सा देख सकते हो टाउन है, तो यहाँ से अभी मैं वापस लिफ्ट मांगना स्टार्ट करूँगा। थोड़ा साइड में आ गया ताकि वीडियो क्रिएट कर सकूँ, आपको बता सकूँ एग्जैक्टली आज क्या करने वाला हूँ। तो सैताल लेक जाना है, मैंने सुना है मेरे गेस्ट हाउस में किसी ने मेरे को रिकमेंड किया, प्लीज़ जाइए वहाँ पे, बहुत अच्छा है, तो वो ही कर रहा हूँ आज मैं। I'm sorry I don't make it easy. How you feel about me now? Okay, तो वो भैया ने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया और उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ का मेरे को बताया, अगर वो होगी तो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या है वो एग्जैक्टली। तो भैया ऐसे आगे सीधा निकल गए और सत्ता लेक के लिए ये रास्ता जाता है, यहाँ से रह गया 6-7 किलोमीटर और, तो अभी मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ लिफ्ट मिल जाएगी, क्योंकि मैं श्योर हूँ, अब मैं यूज्ड हो गया हूँ, मेरे को पता है कि लोग दे देते हैं मेरे को। और मेरे पीछे जो रोड देख रहे हो वो भीमताल की जाती है, भीमताल है वहाँ से 3-4 किलोमीटर, वो भी मैं साथ में ईस्ट साइड आया हुआ हूँ तो सब कवर कर ही लूँगा। सो लेट्स सी, सो फार सो गुड। ओके सर, थैंक यू जी। ये कमल शर्मा जी जो अभी उनका पीछे होटल रह गया है, वहाँ तक उनको आना था, बट उन्होंने 2-3 किलोमीटर मेरे लिए लिफ्ट देके यहाँ आगे तक आए। तो सर थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी हेल्प की, आराम से जाइए, अपना ध्यान रखिए। ओके, उत्तराखंड में पीपल सो काइंड, मतलब बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत प्यार से बात करते हैं, और कुछ लोग अपना, मतलब ये इनको लेट भी हो रहा था, इनको होटल में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, ये होटल लाइन में काम करते हैं, तो ये अपना मतलब टाइम को छोड़ के पहला मेरे को ड्रॉप करने के लिए आगे आगे थोड़ा 2 किलोमीटर, ताकि मेरे को यहाँ ईजिली लिफ्ट मिल सके। और हमने मेरा कॉन्टैक्ट भी मैंने एक्सचेंज किया, तो मैंने कहा फ्यूचर में कुछ होगा तो एक्टिविटीज़ में से और इनको हेल्प करूँगा होटल लाइन में। तो सो फार सो गुड।
ऑल राइट गाइस, तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं साता लेक, और साता लेक का व्यू आपको दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए, तो ये है साता लेक। यहां बहुत सारी बोटिंग होती है, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं अंदर, देख सकते हो आप वहां पे। तो ये नज़ारा है साता लेक का, इस साइड में भी है। बेसिकली इसको साता लेक इसलिए बोलते हैं कि इसके सात क्या बोलते हैं, सेवंथ अपने इसके है कॉर्नर्स, चार तरफ सेवन कॉर्नर्स है ऐसे मिला के, इसलिए इसको बोलते हैं साताल। साताल लाइक सात सेवन, ऐसा मेरे को किसी ने बताया यहाँ पे इसके बारे में, तो इसलिए इसको साताल लेक बोलते हैं। और फिलहाल देख सकते हो फुल चिल वाइब है, वेदर का भी अच्छा है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। I try, I cry, better luck next time. Sleeping through the day and night, just anything to pass the time. Never thought of making friends, cause on my own I feel alright. Anytime I'm off the drugs, the only time I feel alive. All these thoughts go round and round in my head, but they ain't never seen a make sense. To be honest, I don't give a shit about your two cents. What I ever gotta prove to them, cause time's changing, I'm playing my favorite songs. I hate you, I hate me, I hate it all. How you feel about me now, would you wanna be me? About me now, would you come and see me? How you feel about me now, would you just believe me? I'm sorry I don't make it easy. How you feel about me now, would you want to be me? How you feel? ओके, तो गाइज़ इन दोनों लेक के बीच में जो साता लेक के एक सेंटर में ये बना हुआ है, और ये कोई साता लेक का कोई आश्रम संस्था ऐसा कुछ है। तो ये बीच में है जहाँ से थोड़ा हाइट का एक व्यू मिलता है, तो आप देख सकते हो ऊपर चढ़ सकते हो इस पर। पानी भरा हुआ है बट ठीक है, आई थिंक ये जिप लाइन का कुछ सिस्टम है लगा हुआ है, देख सकते हो छोटा ही है बट लगा हुआ है जिप लाइन का। उसको है ना जबरदस्ती पानी में ज्यादा ही गीला कर रहे हैं, चिल्ला रहा है वो, बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा है, डर लग रहा है उसको। बेस्ट एक्टिविटी है बट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं गीला नहीं हो सकता यहाँ पे। मैं गीला हो गया एक बार अच्छा खासा, तो एक बार सर्दी लग गई तो फिर मैं लंबा बीमार हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं ये बोटिंग और ये जो होता है पानी से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। बोटिंग में कर सकता हूँ बट ये एक्टिविटी जो जिप लाइन की होती है। About me now, would you come and see me? How you feel about me now, would you just believe me? I'm sorry I don't make it easy. Okay, तो गाइस यहाँ मैंने चाय पी ली थी और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ सत्ताल से, और क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को दो तीन पॉइंट और देखने हैं, तो इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। अभी टाइम हो गया आफ्टरनून के 1 बज गए, तो इसलिए मेरे को जल्दी कवर करना है, थोड़ा थोड़ा देखना है, सारे पॉइंट्स देखने हैं। तो ये आ गया मैं मेन रोड पे, और ये रोड वापस जाएगी ऊपर के लिए 7-8 किलोमीटर मेरे को इस रोड पर जाना आ गया। तो ये है सत्ताल, अच्छा खासा है, चिल वाइब है, इन्जॉय कर सकते हो फैमिली के साथ आके यहाँ पे, आराम से बोटिंग वोटिंग करो आप, और उसमें जिप लाइन में आप कर सकते हो, काफ़ी एक्टिविटीज़ है। जिप लाइन आगे है, वो जिप लाइन नहीं है जो मैंने जो दिखा है, वो जिप लाइन नहीं है, वो रिवर जंपिंग टाइप का है जिस पे आप पानी के अंदर वो जंप कर कर आपको गीला करते हैं, भिगोते अंदर डालते हैं, काफ़ी सही है, एडवेंचर है। तो चलते हैं। ऑल राइट गाइज, तो गाइज 1.5 किलोमीटर मैंने चल लिया है, अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली क्योंकि इस रोड पे बहुत कम लोग निकलते हैं, ये ओनली मोस्ट
जो टूरिस्ट होते हैं घूमने के लिए आते हैं वही आते हैं मोस्टली, बट कोई नहीं, वेदर अच्छा है, मैं आराम से चल रहा हूँ, मिल जाएगी थोड़ी देर बाद में, तो लेट्स गो। ओके तो गाइज स्कूटी स्लिप हो गई, ज़्यादा तो नहीं लगी, थोड़ी बहुत लगी है, ये मोड़ पे थोड़ी स्लिप होगी, स्कूटी हमेशा स्लिप हो जाती है, मेरे बस इस अंगुली के लगी है, थोड़ा सा बैक पे लगी है, यहाँ पे इनके हाथ में लगी, दिखा ना, कोई नहीं यार आपको, ये तो कोई नहीं, ये तो पट्टी हो जाएगी, ठीक है, सॉरी सर इसके लिए, नहीं नहीं कोई नहीं, कोई बात हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं, कैमरे का कुछ नहीं हुआ, कैमरा मेरे हाथ में था, गाड़ी किसी और की हूँ, अच्छा सर मेरे ज़्यादा तो लगी, देखो एक मिनट का, नहीं मतलब दिख रहा है क्या ज़्यादा वैसे, नहीं नहीं कहीं नहीं लग रहा, यहाँ लगी क्या, हाँ हल्का सर, हाँ बट खून नहीं आ रहा है, चलो ठीक है आइए आरामदार, अभी तक की पहली ट्रिप में लिफ्ट लेते, पहली बार ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, कपड़े थोड़े गंदे हो गए, चला लोगे आप, हाँ 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 कोई टेंशन नहीं, ओके ललित जी कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना, हाथ कहाँ है, ठीक है ध्यान रखना, पट्टी कर लेना है, ओके थैंक यू, आराम से जाना। ऑल राइट गाइज, तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ भीमताल, उन्होंने मेरे को ये भीमताल का जो सिटी मार्केट है उसके अंदर छोड़ दिया था, बट मेडिकल स्टोर कोई नहीं मिला जिससे मैं अपनी इस अंगुली का पट्टी वट्टी करा सकूँ, बट कोई नहीं, इतनी ज़्यादा लगी नहीं है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, थोड़ी बहुत लगी है, ब्लड आ रहा है, बट ठीक है, तो अभी भीमताल थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, दिखाता हूँ आपको भीमताल कैसा है। ओके तो गाइज ये है भीमताल, और भीमताल का पॉइंट है उधर सामने, तो मैं अभी उधर जाने वाला हूँ। ओके तो गाइज ये है मेन भीमताल का पॉइंट, देख सकते हो, ये है पूरा भीमताल, यहाँ बोटिंग होती है, और ये बलून्स के अंदर भी लोग जाते हैं, बच्चे लोग, देख सकते हो, ये भी एक तरह की लेक है जिसमें बोटिंग होती है, मतलब सिमिलर कह सकते हो आप सेवन ताल का। गाइज ये जो भीमताल शहर है ये महाभारत के भीम के नाम पर मंत्र मुक्त करने वाला शहर है, और ये नैनीताल से भी पुराना शहर है। ओके तो मैं अपनी फिंगर इसमें घोल देता हूँ पानी के अंदर, पानी ठंडा है, थोड़ा ब्लड ब्लड क्लीन हो जाएगा, चिपका हुआ नहीं होगा। ओके तो गाइज देख लिया आपने भीमताल, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और एक और पॉइंट है, देखता हूँ वहाँ जाऊँगा या नहीं, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में आपको, तो लेट्स गो।
ठीक है भैया, थैंक यू सर। ठीक है, और जो नाम? मिलते हैं। मैं प्रतीक पांडे। ओके प्रतीक पांडे, थैंक यू सर लिफ्ट देने के। ओके तो गाइस फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ इस लेक के पास, और पीछे छोटी सी लेक है, ये है लोटस लेक है, देख सकते हो। ऑल राइट गाइस, मैं पहुँच गया हूँ नकुस्तल लेक। ये यहाँ की सबसे डीपेस्ट लेक है और इसका व्यू आपको जस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ओके तो गाइज, ओनली नकुचतल जो लेक है वहाँ के पास में आपको ये बहुत सारे ऐसे डक मिलेंगे। अभी इस कुछ सो गए, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे थे, बोल रहे थे, अभी ये कुछ लेट गए। सिर्फ यहाँ पे दिखे मेरे को और कहीं नहीं दिखा। और सेम यहाँ पे भी बोटिंग है, यहाँ थोड़ा सिकारा टाइप की बनी हुई है और काले बादल बन रहे हैं, अभी बारिश हो सकती है कभी भी। और जिप लाइन भी बनी हुई है यहाँ पर। ऑलराइट गाइज, तो गाइज ये भी लेक देख ली मैंने, बोटिंग में यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बोटिंग के लिए मैंने एक जगह चॉइस ऑलरेडी कर रखी है, वहाँ मैं बोटिंग करूँगा, और तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। कहाँ करूँगा थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इस लेक से निकल रहा हूँ जो सबसे डीपेस्ट लेक है यहाँ की, तो चलते हैं। टाइम हो गया इवनिंग के 3:30 हो गए, और जल्दी से मेरे को वापस नैनीताल पहुंचना है। नैनीताल यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, और यहाँ है लोटस लेक, जहाँ लोटस अभी है नहीं। तो मौसम अच्छा हो गया वापस, थोड़ी धूप निकल गई थी पहले, बट अभी वापस सही हो गया है। बस बारिश नहीं होनी चाहिए शाम तक, जब तक मैं गेस्ट हाउस नहीं पहुँच जाऊँ। तो तीन लोकेशन मैंने, तीन लेक एक्सप्लोर कर दिए, लास्ट वन बाकी है जो यहाँ की सबसे मेन है और नैनीताल के अंदर है, तो वो अभी थोड़ी देर बाद में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। मेरी ये छोटी वाली फिंगर सूज तो गई है, देख सकते हो आप, बट टूटी नहीं हो, क्रैक नहीं हो बस, नहीं तो थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रैवल करते टाइम, इसलिए बस ब्लड सूख गया है, क्योंकि ये मैंने पानी में डाला आपने देखा, बट क्लियर नहीं हुआ। बट कोई नहीं, सब कुछ अच्छा थोड़ी मिल सकता है ट्रिप में, बैड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना यादगार के लिए, तो ये हुआ अभी तक का सबसे बैड एक्सपीरियंस। सबसे बड़ा तो नहीं हुआ, उस बंदे की गलती नहीं है, वो किसी और की स्कूटी मांग के आया था, कोई नहीं चलता है। ओके तो गाइस, 5 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है। ये कौन सा पिच पॉइंट था अपना? ये भीमताल था। भीमताल, भीमताल सर आपने आगे के लिए। ओके, क्या नाम सर आपका? मेरा शुभम। ओके, आपका? हिमांशु। ओके, और ये आपका यूपी सर है ना? लखनऊ। लखनऊ, ओके, लखनऊ से यहाँ घूमने के लिए आया है नैनीताल में। और ये भैया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइज, तो गाइज 3-4 लिफ्ट लेके फाइनली मैं अपनी आज लास्ट लोकेशन पे पहुंच गया हूं, और टाइम पे पहुंच गया हूं, जैसे मेरा टारगेट था वैसे ही चला सब। और अभी इवनिंग के 5 बज गए, और मैं हूं अभी माल रोड पे नैनीताल की, जो सबसे पीक एरिया है नैनीताल का, और देख सकते हो बोटिंग हो रही है यहाँ पर। तो गाइज़ ये देख सकते हो, ये है नैनीताल की नैना लेक, जो सबसे पीक एरिया पर है, और सामने है माल रोड, जहाँ बहुत सारी स्टॉल्स और रेस्टोरेंट और होटल्स और सब कुछ है। अभी बहुत सारी बोटिंग हो रही है, आप देख सकते हो। तो मैं सोचा है कि यहीं से कर लेता हूँ, क्योंकि यहीं पॉइंट है मेरे वापस गेस्ट हाउस जाने का, तो मैं वहाँ आगे नहीं गया उधर, वहाँ चारों तरफ बोटिंग होती है,
मुझे लगा मैं यहीं से पकड़ता हूँ घूम घुमा के वापस, तो मैं यहाँ बोटिंग करूँगा क्योंकि मैंने ये लोकेशन चूज़ की थी, लास्ट बोटिंग मैं यहीं करूँगा, मैंने और कहीं नहीं की। तीन मैंने लेक दिखाई आपको बट मैंने कहीं बोटिंग नहीं की, तो यहाँ पे करूँगा, अभी वहाँ जाऊँगा मैं और देखते हैं क्या चार्जेस है, कैसा है, सब कुछ दिखाता हूँ उसको, चलते हैं। ओके, तो गाइस फाइनली बोटिंग स्टार्ट कर दी है। इसको क्या बोलते हैं? नैनी झील। नैनी झील। और इस बोट को? चप्पू वाली। चप्पू लवाली। और आपने पता है श्रीनगर में बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको? श्रीनगर से हमारे रेट बढ़ते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट पास करेगा। अच्छा अच्छा, मतलब मैं आपको बताऊँ ना क्या बोलते हैं श्रीनगर में, उसको बोलते हैं सिकारा। सितारा। सिकारा, सिकारा। यहाँ चप्पू वाली। यहाँ ये चक्कू वाली। This castle of sand, we hear the rush in the wind. Yeah, we were closer than friends. I hope that we could withstand. But now when I fall and when I cry, I wish that'd pick me up. When all of my tears are running dry, it'll take me back to the top. बोटिंग का ऐसा सिस्टम है कि 120 में आपको, सॉरी 160 में आपको हाफ चक्कर मिलेगा और 200 या समथिंग का कुछ प्राइस है जिसमें ये लॉन्ग चक्कर करवाते हैं, तो वो है। तो मैंने 160 वाला लिया क्योंकि मैं टाइम का थोड़ा यूटिलाइज कर रहा हूँ और मैं ऑलरेडी मैंने वहाँ पे कर रखी थी अपने डल लेक में, तो सिमिलर एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ। उसको यहाँ तो उसको कुछ चक्कू बोलते हैं और वहाँ पे तो उसको सिकारा बोलते हैं श्रीनगर में। और फिलहाल काफ़ी वेदर अच्छा हो गया, देख सकते हो बादल पूरा बोर्ड के पास में आ गए, सॉरी लेक के नीचे आ गए बादल, काफ़ी लोग कर रहे हैं। लास्ट टिकट कटता है 6 बजे के आसपास, 6 बजे के बाद में कोई टिकट कट नहीं करते हैं। ओके, तो गाइस ये जाता है रास्ता नैना देवी जो माता है जिससे यहाँ का नैनीताल का नाम पड़ा है, तो उनके लिए सब लोग जा रहे हैं वहीं पे। काफ़ी भीड़ है देख सकते हो, शाम को लोग दर्शन के लिए आते हैं नैना देवी माता के लिए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ बहुत सारे कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं काफ़ी। ओके, तो गाइस नैनीताल में फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं भी फुटबॉल ग्राउंड पे हूँ और यहाँ देख सकते हो नज़ारा, आप चारों तरफ लोग फुटबॉल ही फुटबॉल खेल रहे हैं ग्राउंड पे, देख सकते हो बड़ा सा ग्राउंड है।
और यहाँ तो काफ़ी लोग लाइन से देख भी रहे। यहाँ आई थिंक कोई मैच हो रहा है दो टीम का, तो देखते हैं। फर्स्ट बॉल में आगे करके रहा था, समझता सेकंड बॉल में खड़ा होना था। हाँ तो वहीं से तो हेड आएगा, फर्स्ट बॉल में आगे करके लेगा। ओके तो गाइस थोड़ी देर में फुटबॉल मैच देखने लग गया और अभी माता जी के दर्शन करने जाऊंगा क्योंकि तो ज़्यादा मैं लेट नहीं करना चाहता। ओके तो गाइस ये टेंपल है माता जी का, आप देख सकते हो नैना देवी मंदिर है। ऑल राइट गाइज, तो गाइज जो मैन माता जी का नैना देवी जी का जो मंदिर है वो मैं दिखाता हूँ, वहाँ पास से नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है, दूर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है, तो ये मैन मंदिर है जो आप देख रहे हो और उसके पास में और मंदिर है राधा कृष्ण जी के वहाँ पे, और यहाँ शिवलिंग भी है देख सकते हो, और इसके अलावा वहाँ पे हनुमान जी का टेंपल है वहाँ पे। ओके तो गाइस ये है नैनीताल का माल रोड, वहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा 1 किलोमीटर तक यहाँ लंबा चलता है, पूरा वहाँ तक लास्ट लाइट दिख रही होगी, इससे भी आगे तक ये पूरा मार्केट चलता है और मेन मार्केट यहीं है, यहीं पे नैनीताल का, जहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं, रेस्टोरेंट्स भी है, होटल्स भी है, खाने के लिए तो सब कुछ एक्टिविटीज़ करने आते हैं। और पास में ये रोड का रास्ता निकलता है जिसमें व्हीकल के लिए है, इसमें सिर्फ व्हीकल चलते हैं और ये जो पैदल चलते हैं जो स्ट्रीट पे ये इधर है। ऑलरेडी गाइज, तो गाइज कैसा लगा आपको माल रोड? माल रोड के बाद में मैं डायरेक्ट वहाँ से मेरे को लिफ्ट मिल गई थी अपने गेस्ट हाउस के लिए, तो मेरा गेस्ट हाउस माल रोड से जैसे मैंने आपको बताया 8 to 9 किलोमीटर है। तो भीमताल कोई एक बंदा था वो जा रहा था, तो उसे मैंने हाथ किया तो उसने रोका, तो उसने मेरे को अपने गेस्ट हाउस के लिए उतार दिया। तो गाइज गेस्ट हाउस आने के बाद में मैंने चेंज किया आराम से, शोल्डर थोड़ा पेन होने लग गया, क्यों पेन हो रहा है पता नहीं, शायद उसी की वजह से पेन हो रहा है। और फिंगर अभी ठीक है देख सकते हो, मैंने इसको गर्म पानी से थोड़ा वॉश किया है, बैंडेज नहीं किए, ऐसे ही रखूँगा क्योंकि हवा लगेगी तो जल्दी ये रिकवर हो जाएगी, तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे के थोड़े स्केचेज आए आज, वो कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद में मैं आया और मैंने थोड़ा फ्रेश होने के बाद में डिनर किया जैसा कि आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा हेल्दी डिनर करने के बाद में मैंने सोचा कि वीडियो को क्यों नहीं, इसको वीडियो को एंड कर दूं अपने नैनीताल पार्ट 2 को, क्योंकि कल मैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं। कल आई थिंक मैं नैनीताल मॉर्निंग में छोड़ दूंगा और कहीं न्यू डेस्टिनेशन मेरी जो होगी वहां पे जाऊंगा, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो अभी एंड करता हूं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो, इस पे मैं बहुत एक्टिव रह रहा हूँ अभी और सारी स्टोरीज़ वहीं पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी स्टोरीज़ देख सकते हो, अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे को DM भी कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी थक गया हूँ और काफ़ी कुछ अभी करना है मेरे को, सारे गैजेट्स और सारी बैटरीज कैमरे की चार्ज करनी है, तो इसलिए अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज गाइज वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप, बीस्ट, बाय बाय, कल मिलते हैं, आई मीन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय। Fearless.